नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक पेल्टियर मॉड्यूल है जिसके नीचे ये हीट सिंक लगा हुआ है। आप इसमें पानी भरा हुआ देख सकते हैं, ये पानी एक्चुअली गर्म पानी है, थोड़ा गर्म पानी है। और इसके ऊपर रखी हुई हैं ये आइस क्यूब्स, एक सेकेंड रुकिएगा, नीचे गिर गए, चलो कोई बात नहीं, ये तो है। तो इसके ऊपर रखी हुई है ये आइस क्यूब। तो पेल्टियर कूलर से होता है कि जब हम इसका एक साइड ठंडा और एक साइड गर्म करते हैं तो देखें इससे कुछ पावर जनरेट होने लगती है। आप देख सकते हैं ये मोटर इसके दोनों तारों से कनेक्ट है जो कि यहाँ पे घूम रही है। अगर हम इस सरफेस को और ठंडा करेंगे, इसमें और बर्फ़ ला कर रख देंगे, या इसका नीचे का सरफेस जो है, जो कि ये हीट सिंक है, से और हम अगर गर्म करेंगे तो इससे और ज़्यादा करंट बनेगा। अगर देखिए मैं इस यहाँ से आइस उठा लेता हूँ और अब देख सकते हैं मोटर बहुत स्लो हो चुकी है। अब मैं इस पर अगर आइस रखता हूँ, अब देखेंगे कि धीरे धीरे मोटर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फिर से आइस हटा रहा हूँ, मैंने आइस हटा ली। तो दोस्तों, इस पेल्टियर मॉड्यूल में करंट का जनरेशन टेम्परेचर के डिफरेंस पे होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आइस रखी और फिर से ये मोटर घूमना शुरू कर दी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास आइस का बहुत छोटा टुकड़ा बचा हुआ है, जिसके कारण इस मोटर की स्पीड बहुत ही कम हो गई है। सो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन पेल्टियर मॉड्यूल के बारे में, और इस बारे में कि पेल्टियर मॉड्यूल से आप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारिएगा। धन्यवाद।